तो देख सकते हैं हमारे साथ MBBS के स्टूडेंट निहाल है। नमस्ते निहाल। नमस्कार। तो आप यहाँ पे रेंट लिए हो, ठीक है ना? तो मतलब कितना रूम है यहाँ पे? एक डबल बेडरूम है। ओके। सोफा में डबल बेड। सोफा में डबल बेड है। सोफा कन्वर्टेबल। अच्छा, मतलब कितना रेंट है इसका? इसका रेंट है आपका 1200। 1200। यहाँ पे चार बच्चे रह सकते हैं, हम लोग ने 3 बच्चे रखे हैं। अच्छा, तो बिल्स वगैरह इंक्लूडेड है कि नहीं? एवरीथिंग इंक्लूडेड, 400 पड़ता है। अच्छा चलो, अच्छी बात है। तो आप अपना रूम अगर कुछ बिल्कुल है तो दिखा सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, कोई टेंशन नहीं। चलो फिर, चलिए फिर, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। चलो, दिस इज द होम। यहाँ पे ये हॉल है। Okay. ये बहुत बड़ा हॉल है। ये सोफा है, ये सोफा डबल बेड हो जाएगा। ओके। अभी तो फिलहाल पार्टी चल रही है। द किचन, किचन एरिया। ओके। देन वी हैव द रूम हियर। पार्टी चल रही है तो रूम थोड़ा खराब है। हाँ, तो अभी मतलब फेस्टिवल का सीजन चला तो बहुत गेस्ट आए हुए हैं, तो इसीलिए रूम इधर उधर लगा हुआ है। तो डबल बेड है, डबल बेड है। ये ड्रॉयर्स हैं आपके, और ये देख सकते हैं 3 बड़े बड़े ये। एंड देन यहाँ पे आपका वॉशिंग मशीन दिया है। ओके। ऊपर एसी दिया है अपार्टमेंट के लिए। ओके। दिस इज अ वॉशरूम यू हैव फॉर 3 पीपल, 3 लोग के लिए ये वॉशरूम है। अच्छा, और आप यहाँ से आएंगे तो 2 बालकनी मिलेंगे आपको। 2 बालकनी। दो बालकनी? यस। दिस इज द फर्स्ट बालकनी। यहाँ पे हम लोग अपना कचरा वगैरह रहता है। और यहाँ पे हम कपड़ा सुखाते हैं, जूते वगैरह इधर। अच्छा, जूते बाहर रखना पड़ता है। एक्स्ट्रा सामान, ये दिस इज स्टोर रूम। हाँ, ओके, स्टोर रूम भी है। चलो अच्छी बात है, आइए। और ये सब क्या है? ये सब अपना एक्स्ट्रा सामान है, थोड़ा रख रखा है। और यहाँ पे पॉट्स दिए हैं आपको, पौधे वगैरह लगाना है। तो पौधे वगैरह लगाओ नहीं यार, क्या यार, डॉक्टरों के नेचर को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल बस लगने वाला है, पौधे आ गए जरूर। अच्छा, जूते चप्पल यहाँ पे रखे, बारिश वगैरह में कुछ इश्यू नहीं होता है? नहीं, कोई इश्यू नहीं होता है क्योंकि ऊपर ये रूफ है ना। हाँ, अच्छा, वो सेव करता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आपने घर कैसे फाइंड किया था? मैंने तो पहले तो मैं 2 महीने से ढूंढ रहा था, क्योंकि ये पीक टाइम था, यहाँ पे घर मिल नहीं रहा था। अच्छा, फिर मैंने बात किया तो मैंने अपने फ्रेंड का रूमलेस रेंट, एक वेबसाइट है, उस पर मैंने कराया रूमलेस रेंट। ओके। तो उसका एजेंट मेरे जानने वाला था, तो मैंने उससे बात की तो उसने ये रिकमेंड किया था। अच्छा, तो मतलब मिलान से कितना दूर में है ये? मिलान से आपको 30 मिनट्स में यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन मिलती है, आप लम्बराते पहुँच जाओ। 30 मिनट्स अफोर्डेबल है, स्टूडेंट्स के लिए है, 400 में आपको आराम से मिल जाएगा, और 4 लोग रहते तो और भी कम हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब 30 मिनट्स है मिलान जाने के लिए, आधे घंटे में आराम से जा सकते हो। आधे घंटे में आराम। ट्रांसपोर्टेशन का कुछ फैसिलिटीज, मतलब डिफिकल्टीज वगैरह करने हो? डिफिकल्टी यहाँ से आपको 700 मीटर पे, वो भी पास ही है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, आप उसको पकड़िए, डायरेक्ट ट्रेन आती है, ट्रेन की टाइमिंग है, आप ट्रेन टाइमिंग्स पे वहाँ पहुँच जाइए, विद इन 30 मिनट्स वो ट्रेन पकड़ के आप लम्बराते पहुँच जाइए। आपको इस साइड जाना है, चंत्राले साइड में जाना है, तो उस साइड भी जा सकते हैं। ट्रेन की टाइमिंग्स होती है, आराम से कोऑर्डिनेट करना होगा। तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक्चुअली अगर ऐसा इतना बड़ा घर मिलान में चाहिए तो मेरे ख्याल से 2000 के नीचे मिलेगा नहीं। बिल्कुल नहीं मिलेगा, 100%। तो आप रिकमेंड करते हो, मतलब जिसको भी अगर मिलान में घर नहीं मिलता है तो आउटस्कर्ट में ले सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, सस्ते रहेंगे, इतना स्पेशियस रहेगा, राइट? बिल्कुल, यहाँ पे ले सकते हैं। और एक और जगह लेको, लेको लेको में आपकी ट्रेन चलती है डायरेक्ट, वहाँ से आपको वो लम्बराते पहुँचा देगी 25 मिनट। हाँ, ट्रेन होती है। अच्छा। और वहाँ पे 5 लोग रह सकते हैं आराम से, 1000 यूरो में। 1000 यूरो में इतना बड़ा घर है। और 450 में आपको एक रूम मिलेगा डबल बेड का, और एक रूम मिलेगा 2 सिंगल बेड का। अरे वाह। और फिर अगर मैं नया हूँ तो मैं कैसे सर्च करूँगा रूम कहाँ पे? आप अगर आप नए हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वेबसाइट्स के थ्रू जाए, जैसे आइडियलिस्टा एक वेबसाइट है, आइडियलिस्टा वेबसाइट है, स्पॉटोहोम एक वेबसाइट है, और रूमलेस रेंट एक वेबसाइट है, हाउसिंग एनीवेयर है। तो बेसिकली अगर आपको आउटस्कर्ट्स में ढूंढ रहे, अगर आप सस्ते में ढूंढ रहे हो और आपको थोड़ा ट्रैवल करना 25-30 मिनट आपके लिए सही है, तो आइडियलिस्टा पे ढूंढो, आपको हर जगह का घर मिल जाएगा। आइडियलिस्टा ट्रस्टेड है ना? बिल्कुल ट्रस्टेड, बहुत सारे स्कैम होते हैं इसलिए। तो
एक वेबसाइट है दो वीवो करके, उस पे स्कैम होते हैं उस पे। अच्छा। मैं पर्सनली उस पे ट्रस्ट नहीं करता, बट आइडियलिस्ट है बिल्कुल ट्रस्टेड है। बस ये है कि इसमें आपको किसी का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि आप एजेंसी को कॉल करते हो तो वो इटालियन में बोलते हैं। अच्छा। बस यही है। अगर अच्छा। आप किसी के थ्रू हेल्प ले सकते हो तो आपको बहुत सही गर्व मिल जाएगा। अच्छा चलिए नियाज, थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया। और कुछ है दिखाने के लिए? हाँ बिल्कुल, एक और बैल्कनी है, एक और बड़ी बैल्कनी है, वो है ये दिखाता हूँ, ये सेकंड बैल्कनी है। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज दी है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये इसके पीछे थोड़ा दिख दे रहा है, ग्रिल मशीन होता है जो आप ग्रिल कर सकते हैं, चिकन एंड ऑल है, एवरीथिंग इज हियर। अच्छा अच्छा अच्छा। एंड देन वी हैव आवर जिम, जिम के इक्विपमेंट्स है वहां पे उस साइड। ओके ओके। जैसे हॉल आदमी का हॉल में आपको टीवी मिलेगा, होम थिएटर सिस्टम मिलेगा, बुक्स मिलेंगे, सीडीज मिल रही है। हमारा पोडियम है जहाँ पे हम लोग ने भगवान लोग को रख रखा है, हम लोग अपना पूजा वूजा करते हैं, अपनी इंडियन सभ्यता को मेंटेन कर नीचे कहीं भी जाओ। चलो अच्छी बात है। चलो निहाल, बहुत अच्छा लगा देख के, और थैंक यू सो मच कि आपने इन्फॉर्मेशन शेयर किया। थैंक यू, इट वाज माय प्लेजर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ शेयर करके। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आप सभी लोग को हेल्प करे। जरूर जरूर, थैंक यू।